एक आदर्श समाज हमारा निर्मित हो, यह भी बड़ी जिम्मेवारी है। आज जिस प्रकार से युवा पीढ़ी में फैशन और व्यसन बढ़ रहा है, अब युवक ही नहीं युवतियां भी जो है व्यसन में पीछे नहीं है। पहले तो युवक ही फैशन में व्यसन में पड़े थे, अब तो युवतियां भी व्यसन में पीछे नहीं है। बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, ऊट पटांग पीना खाना, क्लबों में जाना, ये हमारी सभ्यता को हमारी संस्कृति को नष्ट तो कर ही रहा है, समाज को दूषित कर रहा है, इससे परिवार बिखर रहे हैं। क्योंकि जब वह बच्चे किसी परिवार में जाएंगे, वो बेटियां किसी परिवार में जाएंगी, वहां जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि उनको तो स्वतंत्र रहने का शुरू से अभ्यास हो गया। वो बच्चे किसी का अनुशासन नहीं सुनना चाहते, फिर वो संयुक्त परिवार में नहीं रह पाते, किसी अच्छे परिवार में वो बढ़िया मिलजुल कर नहीं रह पाते, और परिणाम ये होता है कि आज समाज बिखर रहा है, परिवार बिखर रहे हैं, घर टूट रहे हैं, और बाद में पति पत्नी भी आपस में टूट रहे हैं। चलो ठीक है, माता पिता से नहीं बनती, अलग रह लो, पर कम से कम दोनों तो अच्छे से रह लो। तो वो दोनों भी कहां अच्छे रह रहे हैं? वो दोनों भी रात दिन महाभारत कर रहे हैं, वो भी झगड़ झगड़ के कोर्ट में जाके तलाक के केस लगे। तो भैया, हम लोग अपने आप को कहां ले जा रहे हैं? इसलिए धर्म की मर्यादा, अपने गुरुजनों के, अपने घर के बड़ों का अनुशासन जीवन में बहुत आवश्यक है। और जीवन जो है फैशन और व्यसन से मुक्त हो, हमें एक आदर्श समाज की स्थापना करना है। तो भैया, कैसे समाज से व्यसन दूर हो? आजकल तो जैसे कल हमने अंडे का कल या परसों कहा था कि लोग उसको शाकाहारी कहने लगे, ऐसे एक दिन हमसे कोई कह रहा था, महाराज जी आजकल तो वो शराब भी लोग पीते हैं, तो उसमें एक और कुछ आता है, बोले ये तो शराब नहीं है, कुछ और है, ऐसा कह के लोग पीते पिलाते हैं। क्या पीते हैं? हाँ, अब आप सब जानते हैं, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं। है? तो बोले ये तो शराब नहीं है, ये अलग है, फलों का है। ये समाज को बिगाड़ने के नए नए तरीके हैं, क्योंकि नए नए बच्चे बेचारे वो समझ लेंगे नहीं, ये तो फलों का रस है, जूस ही है। अच्छा, एक और बात, आज हमारे यहां जो भोजन की सामग्रियां हैं उनके नाम ऐसे रखे जाने लगे, अब नाम व्यासगादी से लेने में भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन एक आध चीज उदाहरण के लिए कह देते ताकि आप समझ जाएं कि हम क्या कहना चाहते हैं। बोले वेज बिरयानी। अरे भैया, जब वो चावल है और बढ़िया सुंदर भोजन है, तो ऊट पटांग नामों के साथ उसको क्यों जोड़ रहे हैं? हरा भरा कबाब, राम राम राम। अरे जब अच्छा भोजन है तो उसका नाम आप जो है उनके साथ चीज, गंदी चीजों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? और गंदी चीजों से जब नाम जुड़ जाएगा तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा पता है? हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो तो ये बात नहीं समझेंगे कि ये बेज है ये बेज नहीं है, उन्होंने तो बिरयानी खाई बोले बचपन से, अब वो बेज बिरयानी खाते थे, कभी बेसी भी खा लेंगे तो उनको, क्योंकि वो तो बिरयानी खाने के आदी है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर वो भेद नहीं रह गया, वो तो उसको बचपन से खा रहे हैं, उसके आदि हो गए। तो जो ऊट पटांग नाम हमारे भोजन में हमारे व्यंजनों के रखे जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा षड्यंत्र है हमारे समाज को दूषित करने का। समाज दूषित हो रहा है। अरे हम अपने खान पान के अच्छे नाम रखें, क्या नामों की कमी है? हमारे यहां व्यंजनों की कमी है? फिर हम ऐसे गंदे नामों के साथ हमारे व्यंजनों को क्यों जोड़ रहे हैं? तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। भैया ऐसे ऊट पटांग काम ना हो, हम अपने व्यंजन, आजकल शादी ब्याह में किसी के यहां जाओ तो वहां स्टॉल लगे रहते हैं, उसमें यही सब इस तरह के नाम लिखे रहते हैं। हम तो कह रहे ऐसे भोजन से बहुत दूर रहते हैं कि भैया भगवान बचाए, पर आप लोग भी इस बात का बहिष्कार करें, अपने कैटर से कहें कभी कोई फंक्शन हो, भैया नाम लिखोगे तो हम जो बताएंगे हमारे अपने जो व्यंजन है उनके, हमारे अपने पारंपरिक नाम लिखोगे, ये ऊटपटांग नाम नहीं लिखवाना हमें, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, समाज बिगड़ जाएगा।